हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो फिलहाल मैंने देखो गर्मी गर्मी सी, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, हमारे यहाँ अजीब सा कोहरा टाइप का लग रहा है, ठीक है, और गर्मी गर्मी सी हो रही है। मैंने पंखा भी खोल दिया, थोड़ी बहुत आपको आवाज़ भी चर चर पीछे से आ सकती है, बट कोई नहीं, छोड़ो। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो गई हूँ, मैं भागने वाली थी, मेरे पास आधा घंटा था, तो मैंने सोचा 15-20 मिनट भी अगर मैं एक वीडियो को दे दूँ तो निकाली जा सकती है कोई वीडियो, ठीक है। तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने बीच में करा था थालापति के सॉन्ग पे, ठीक है, और उस पर मेरे को देखो लैंग्वेज कुछ नहीं आती थी, मैं हमेशा म्यूज़िक को सुनती हूँ। और जब देखो ये तो इनका ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि साउथ के गाने ना आपको एनर्जी डालने वाले होते हैं, मतलब नचाने वाले होते हैं, तो फिर उसमें तो फिर म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब जब कोई भी चीज़ मेरे कान में आ रही होती है ना, तो उस टाइम में मैं इतना ध्यान भी नहीं देती, जब अगर कोई डांस का गाना होता है तो। पूजा पाठ भी हो रही है, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि थालापति विजय का कौन सा गाना उठाया जाए, है ना, थालापति विजय यार, नहीं तो नाम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इनमें इनमें। अब आप लोग तो बोलते रहते हो ना, मैं तो नहीं देखती थी यार मूवीज़ वगैरह भी ज़्यादा, साउथ वाउथ की ना, साउथ की क्या मैं कोई भी नहीं देखती थी, मैं सीरीज़ देखने की ज़्यादा शौकीन हूँ तो मैं वो देखती थी, तो इसलिए मेरे को नाम ज़्यादा रटा नहीं है। तो मैंने एक गाना आज देखा कि मैंने कहा चलो यार एक बार देखा जाए कि थालापति विजय कौन से गाने और हैं, क्योंकि मैं अभी देखो जब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ ना, तो मैं नाचने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। ना 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 ना, यही तो बीट थी पिछली बार की, ना 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 ना, ठीक है। तो आ जाओ, THEE लिखा है, अब मेरे को पता समझ में नहीं आ रहा, थी थालापति बोलना है इसको, द थालापति बोलना, पता नहीं क्या बोलना है, पर आ जाओ सुन लेते हैं। और समझना तो बिल्कुल भी नहीं हमें आता, क्योंकि देखो मैं अगर कोई उड़िया उड़ीसा वाले लैंग्वेज में कोई गाने उठाती नहीं आता, बांग्ला में भी समझ में नहीं आता, सबटाइटल होता है तो समझ में आ जाता है, पाकिस्तानी में तो हिंदी होता है, उर्दू होता है, वो समझ में आ जाता है, बट बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, पर समझने के लिए भी कभी कभी नहीं किया जाता है, कभी कोई चीज़ कभी कभी नहीं सुकून के लिए भी की जाती है। तो अभी नाचने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे लगता है कि होगा ताबड़तोड़ गाना, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट। वॉइस बहुत अच्छी आ रही है, वही शू ओ भाई साहब, अबे यार कूड़े वाली गाड़ी आ गई, मेरा बीच में वाइब तोड़ दिया है, मेरी सारी रिदम ही तोड़ दी, मैं बताऊं अब घर की कुकर की सीटी, अरे बंद कर दो इसको यार। तो मैं बताऊं जरा, इतनी पावरफुल आवाज लग रही है भाई साहब, मैं सच बता रही हूं, इतना इतनी इतनी मतलब मेरे को ना कभी कभी शब्द ही नहीं मिलते, लोग सोचते होंगे कि यार सच में, एक कमेंट पढ़ा था कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप पूरी तरह से जैसे आपके मन में आ रहा है वैसे ही बोलो, अरे मन में ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, इतनी अच्छी आवाज़ लग रही है यार, मतलब ना ये खड़े करने वाली आवाज़ है, आपको खड़े करके ना ना ना, नहीं नहीं इसकी अलग बीट है, अबे यार कुकर की सीटी रुक, एक बार फिर से एक बार सुन लेती हूँ दोबारा से, ठीक है, 49 सेकंड से लगा रही हूँ, क्योंकि ना मैं जो ये रिकॉर्ड नहीं कर रही होती स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैं ओरिजिनल वीडियो को अपने साथ मर्ज करती हूँ रिएक्शन को बाद में, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को सबटाइटल भी नहीं दिखते पुरानी चीज़ों में, बताती भी रहती हूँ, पर कोई नहीं दोबारा से सुन रही हूँ, दोबारा से बोलूंगी, बीच में रिदम कट गई कूड़े वाली गाड़ी और कुकर की सीटी से, आ जाओ। Wow.
वाह फुटवर्क बहुत प्यारी आवाज वाओ क्या भाई साहब मेरे कुकर की सीटी मेरी मेरी पूरी ये जटाएं हिल गई हैं ऐसे 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 कर करके मतलब अभी तो मैंने कुछ सच में बता रही मैं कुछ भी नहीं किया कभी कभी तो मैं सोच रही हूँ ऑडियंस से कि तुम्हारा रिएक्शन क्या है बस यही है कूदना मरोड़ना लगता होगा बहुत लोगों को पर सच बता रही हूँ मेरे तो यही होता है रिएक्शन कि मतलब मैं तो खाली बंद जाती हूँ ये माइक और वायर के चक्कर है वरना उठ के नाचने लगूँ मेरे को तो ये मज़ा आने लगता है अगर गानों में ना तो मेरे लिए तो वो सफल हो जाते हैं गाने मतलब मज़ा आ जाता है मैं उन्हें बिल्कुल बेस्ट वाली कैटेगरी में रख देती हूँ नाचने वाली कैटेगरी में तो इतनी प्यारी आवाज यार ये कुकर बंद कर दो यार दो मिनट इतनी प्यारी आवाज मतलब मेरे को गुस्सा आ गया है सीटी बज में इतने सारा रिदम तोड़ रही है अब लोग कहते हैं वीडियोस लाओ कहाँ से लाओ ऑफिस 8 बजे भागना भी टाइम सारा हो गया है कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई 7:30 पे दिमाग खराब कर दिया है तो सुन लो तारीफ सुन लो भाई साहब कि ये जो आवाज है मैं अभी क्रेडिट बाद में पढ़ लूँगी जाते जाते लेकिन मैं पक्का देखूंगी कि आवाज़ इतनी तगड़ी आवाज़ थी इतनी तगड़ी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे मतलब वो नहीं कर देते हैं जैसे पूजा पाठ में भी जब आपको एक जैसे भगवान जी के उच्चारण करते हैं ना शिव जी को का करते हैं जब कुछ तो ऐसे तांडव वांडव में जो आवाज़ यूज़ होती है ना ऐसी आवाज़ थी बिल्कुल तो बहुत ही दोनों की ये जो फीमेल पार्ट आया था बीच में वो भी बहुत तगड़ी आवाज़ थी और ये तो खैर थी और डांस क्या मूव्स लग रहे थे वो जो फुटवर्क कर रहे थे और उसके अलावा जो ऐसे वो सिंपल वाले जो नहीं होते मैं कहती हूँ सिंपल और स्मूथनेस के साथ जो डांस होता है वो दिल ले जाता है तो वैसा ही डांस था अब मैं लेट हो गई हूँ फिलहाल आप लोगों को मेरे साथ रिएक्शन देखना अच्छा लगता हो तो आपको फैलाना यार शेयर मारो लाइक करो क्योंकि मैं वीडियोज़ बहुत कम निकालती हूँ और अगर आप लोग प्यार देते रहोगे तो मेरी वीडियोज़ जरूर आएंगी तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय टेक केयर एंड टाटा।